गुड मॉर्निंग ये स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे इंग्लिश. ओके, तो फर्स्ट इज पोयम. वी हैव टू रीड द पोयम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड अंडरस्टैंड. सो पोयम नेम इज आफ्टर अ बाथ. ओके, राइट साइड पे एक तुम लोगों को छोटा सा बच्चा है. तो ये पोयम क्या कहना चाहती है? आफ्टर अ बाथ, मतलब नहाने के बाद हमें क्या करना चाहिए. आफ्टर माई बाथ आई ट्राई 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 टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई ड्राई ड्राई. ओके, ये बच्चा ऐसा कहता है कि आफ्टर माई बाथ, मतलब जब भी हम नहाकर निकलते हैं तो जो हमारा टॉवल होता है उससे हमें प्रॉपर हमारा बॉडी ड्राई सुखाना चाहिए. टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई ड्राई ड्राई. जब तक प्रॉपरली टॉवल से हमारा बॉडी ड्राई नहीं होता है हमें प्रॉपर क्लीन करना चाहिए. हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोस. ओके, जो हमारे हैंड्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स. ओके, हमें क्या करना चाहिए? पूरे बॉडी को प्रॉपरली ड्राई करना चाहिए. एंड टू वेट लेग्स. जो कितने लेग्स होते हैं बच्चों हमारे पास? टू. तो जो वेट, वेट मीन्स गीले होते हैं, उसको हमें क्लीन करने चाहिए. एंड ए शाइनी नोज. फेस के ऊपर बीचों बीच ये फनी नोज है, उसको क्या करना चाहिए? प्रॉपरली क्लीन. जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई हैड टेक. इफ आई वेर अ डॉग एंड आई कुड शेक शेक शेक. ओके, मतलब मैं आलसी बहुत हूँ तो ऐसा कभी भी हमें करना चाहिए? नो. पर यह बच्चा ऐसा कहता है कि कभी भी हमें हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना चाहिए. एंड आई वेर ए डॉग आई कुड शेक शेक शेक. इफ़ आई वेर डॉग मीन्स अगर वो डॉग होता तो वो प्रॉपरली अपनी जो टेल है उससे वो शेक 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 करता. तो स्टूडेंट्स, मैं आज बोर्ड पे तुम लोगों को हार्ड वर्ड्स लिखवा रही हूँ, वैसे तुम्हारे इंग्लिश नोटबुक पे तुम्हें लिखने हैं. सबसे पहले वाइट स्पेस है तुम्हारे पास, ये मार्जिन लाइन है, ये वाइट स्पेस है. तो यहाँ हम लिखेंगे यूनिट टू. फर्स्ट लाइन फ्रॉम द मार्जिन पोयम. थर्ड आफ्टर अ बाथ. सेकेंड लाइन मिडल ऑफ द पेज हार्ड वर्ड्स. ओके, ये जो लेफ्ट है यहाँ पर जो छोटा बॉक्स है उसमें डेट लिखेंगे 22/07/2020. ओके, फिर थर्ड लाइन से हम नंबर स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट वर्ड इज आफ्टर. नंबर टू वाइप. नंबर थ्री माय सेल्फ. नंबर फोर fingers. Number 5 toes. Toes. Number 6 is wet. Wet. Number 7 shiny. 8 think. Number 9 shake. तो बच्चों तुम्हें कैसे लिखने हैं हार्ड वर्ड्स? एक के नीचे एक लिखने हैं. और नोटबुक में ऑलवेज एक साइड हम हार्ड वर्ड्स लिखते हैं, नेक्स्ट साइड नहीं लिखते हैं. वो पूरा जो स्पेस है वो ऐसे ही लीव कर देना है. और एक पेज अगर फिलअप हो जाता है तो हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे. तो समझ में आया? ये तुम्हारी नोटबुक है,
ये जो रेड लाइन है और ये मार्जिन है, यहाँ यूनिट टू पोयम थ्री मार्जिन से लिखना स्टार्ट करेंगे आफ्टर अ बाथ, इतना ही। सेकेंड लाइन हार्ड वर्ड्स और नेक्स्ट थर्ड लाइन से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों अभी नोटबुक्स चेक हो गई है, तो तुम्हें क्या करना है, अब जो यूनिट टू लिखेंगे तो ये मेथड से हम अच्छी हैंडराइटिंग में लिखेंगे। तो ये पोयम आप लोगों को टेक्स्ट बुक से रीड करनी है और समझनी है। थैंक यू।